नालागढ़ के राजकीय उच्च विद्यालय में छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि बच्चों की जिंदगी खतरे में है। रिपोर्ट देखिए। नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र के परगना मलौड़ की ग्राम पंचायत भ्यूखरी के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय की बिल्डिंग की हालत आजकल इतनी खस्ता है कि वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस स्कूल में करीब 97 बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं, लेकिन ये बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। हमारे स्कूल में इसमें समस्या है जी, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है टूट पड़ी है सारी, और बच्चे के ऊपर वो सीमेंट और बजरी ऊपर से गिरती है बच्चे के ऊपर, और बच्चे नीचे बैठे होते हैं। जब बारिश लगती है तब बच्चे के ऊपर जो पानी बाहर से ऊपर से गिरता है सारा बच्चे के ऊपर गिरता है, और बच्चों का सामान भी कापी भी सब भीग जाती है, और कोई हमारी पुकार के सरकार नहीं सुनती है। तो हमारा जो स्कूल है डूंगर स्कूल है उसकी खस्ता हालत है बहुत, और बच्चे अंदर बैठते हैं और ऊपर से लेंटर वो गिर रहा है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। और हमने प्रशासन को भी कई बार बोला, कई बार उनको अवगत कराया, पर अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, और ना तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है और ना तो कोई और यहाँ पे सुविधा है कि जहाँ बच्चों को शिफ्ट किया जा सके। साल 2018 से साल 2019 में उपायुक्त महोदय ने इस स्कूल की बिल्डिंग को गिराने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी तरह का फंड इस स्कूल को दिया गया। स्कूल की हालत ऐसी हो चुकी है कि कभी भी इसकी छत गिर सकती है। स्कूल के मुख्य अध्यापक के अनुसार इस स्कूल के एस्टीमेट फाइल उपायुक्त महोदय को भेजी जा चुकी है, लेकिन इन 2 सालों में अभी तक किसी भी तरह का फंड स्कूल के लिए नहीं आया है। उनका कहना है कि यहाँ आसपास स्कूल के लिए कोई दूसरी बिल्डिंग ना होने की वजह से इसी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। जब यहाँ मुख्याध्यापक की पोस्ट खाली चल रही है तो उसका कार्यभार मैं ही देख रहा हूँ। बिल्डिंग की हाल तो बहुत नाजुक है, जितनी कभी भी गिर सकती है, तो इसके लिए जो मेरे से पहले के मुख्याध्यापक थे उन्होंने इस बिल्डिंग का डिसमेंटल के लिए केस भेजा था, और नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी केस डिपार्टमेंट के थ्रू सबमिट किया था, जो अभी दो तीन चार दिन पहले वापस आया है। उसको दोबारा उन्होंने एस्टिमेट और अन्य फॉर्मेलिटी के साथ दोबारा मांगा हुआ, जिसको 5-7 दिन में दोबारा डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा। एसडीएम महेंद्रपाल गुज्जर का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने इस बारे में मुख्य अध्यापक और पंचायत प्रधान को दूसरी बिल्डिंग देखकर बच्चों को स्थानांतरित करने को भी कहा है। उन्होंने साथ ही आश्वासन दिया है कि जल्द ही फंड मुहैया करवाकर स्कूल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ऐसा एक मामला मीडिया की तरफ से हमारे ध्यान में लाया गया है कि बिल्डिंग को अनसेफ करने का ऑर्डर हो चुका है 2017 में, उसके बावजूद भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। इस संबंध में कुछ वीडियो भी हमें दिखाए गए हैं, तो इस संबंध में हमने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को भी पत्र लिखा है और साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य को भी उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही हमने ग्राम पंचायत के जेई और प्रधान को भी रिक्वेस्ट की है कि वो 1-3 कमरों का एस्टिमेट बनाकर जल्दी ही डीसी महोदय को सबमिट करें, ताकि इस संबंध में उचित मद से उन्हें फंड की जो है सहायता प्रदान की जा सके। फिलहाल जब तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह से पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सुरेंद्र सिंह, नालागढ़, खबरें अब तक।